भारतीय टीम को क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 में एक नया कप्तान मिल गया है। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान होंगे। टीम इंडिया 27 जुलाई से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी, वहीं वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से होगी। हार्दिक पांड्या के हाथ से उपकप्तानी छिन गई है, जबकि वो T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के उपकप्तान थे। हार्दिक की जगह शुभमन गिल को वनडे और T20 का नया उपकप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम वनडे सीरीज खेलेगी। अगर T20 के खिलाड़ियों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे और शुभमन गिल उपकप्तान। इनके अलावा यशस्वी, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी गई है। वनडे टीम के लिए रोहित शर्मा कप्तान होंगे और शुभमन गिल उपकप्तान। इनके अलावा विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है।